वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। तो ये वाला ब्लॉग जैसे कि आप अनिशा को देख रहे हैं, पता चल गया होगा कि हम लोग फिर से जा रहे हैं एक ट्रिप पे। और अभी सुबह के हुए हैं 7 o'clock, हम लोग लेट हैं अराउंड 1 घंटा, 7:30 के अराउंड हो चुका है और 1 घंटे लेट चल रहे हैं। आधा सामान तो गाड़ी में भेज दिया है, बाकी थोड़ा बहुत सामान वहाँ पे रखा है। घर बिल्कुल मेसअप हो चुका है। हाय कर दो बेटू। तो अलिश्मा सोच रही है कि वो अपने डॉली को भी लेके जाए, पर डॉली को हम ट्राई करेंगे कि हम ना लेके जाए, क्योंकि डॉली का क्या काम है वहां पे ट्रिप पे। अलिश्मा डॉली को यहीं छोड़ देते ना, बोलो डॉली का क्या काम है ट्रिप पे, डॉली को यहीं छोड़ देते हैं। डैडी तो सामान रखने गए गाड़ी में, एक बार में सारा सामान नहीं आएगा ना, दो बार जाना पड़ेगा। तो रेडी हो गए तो निकलो, सारे रूम चेक कर लो सब अच्छे से, सारी लाइट स्विच ऑफ कर दी अलिश्मा तुमने? बहुत ओके बेबी, यू हैव टू स्विच ऑफ इट। नहीं किए, कर दिए। We have to go to car. लो आ गया। Get down. चलो 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 चलो। Get down, come. तुम पहले आया करो अलिश्मा। आजा आजा आजा। Very good. Hi. Finally घर के बाहर निकल गए हम लोग, है ना अलिश्मा? और बहुत लेट हो गए, कम से कम हमें लग रहा है मतलब 1.5 घंटे लेट हो गए। कैसे करते हो तुम? तो गाइस रास्ते में दूध गिरा ली तो इसका कपड़ा चेंज करना पड़ा और अभी हम यहाँ पर रुके हैं कुछ खाने पीने के लिए। नींद भी बहुत आ रही है। वहाँ बैठो चल। इसे पहले टेस्ट करके देखो, ठीक है? सही है, ओके। आलू की टिक्की है। इट्स हॉट। अभी कितना टाइम दिखा रहा है, अभी बज गया है 12:45। तो यहाँ से अराउंड 2 घंटे तो लगेंगे, 2 घंटे और लगेंगे आराम से। 2-2:30 बजे तक हम लोग अपने डेस्टिनेशन में पहुँचेंगे अगर बिना रुके गए तो। मायने में कहीं लंच करना पड़े, पर अभी तो थोड़ी कम ही भूख लग रही है, देखते हैं भूख लगेगी तो रुकेंगे और कुछ अच्छा दिखेगा। यहाँ पे तो अभी कुछ है नहीं, बिल्कुल प्लेन एरिया है। हल्द्वानी में कुछ मिल सकता है खाने पीने का, तो हल्द्वानी में चल के देखते हैं। तो गाइस अभी रुद्रपुर हो चुका है क्रॉस और अब ये हम लोग एंटर कर रहे हैं हल्द्वानी में। हल्द्वानी बस वही काठगोदाम, हल्द्वानी एंड काठगोदाम पास ही है, साइड बाई साइड ही। तो बस अब यहाँ से 1.5 hour दिख रहा है। अलिश्मा अभी भी सो रही है इसलिए यहाँ पे इतनी शांति है। तो बस अब चलते हैं। अब गाड़ी जब तक आई थिंक चलती रहेगी ना, अलिश्मा सोती ही रहेगी क्योंकि आज ना बहुत पहले उठ गई थी वो, और गाड़ी रुकेगी तो शायद उठ जाए, पर अभी हमारा रुकने का कोई प्लान नहीं है। हल्द्वानी या काठगोदाम में चल के देखते हैं कुछ खाने का, क्योंकि भूख तो लगने लगी हल्की फुल्की, कहीं तो हम सीधे 1.5 घंटे में वहीं पहुँच जाएंगे अपने डेस्टिनेशन पे जहाँ हम जा रहे हैं। गीता
गाइस अलीशा उठ गई है, हाय कर दो। हाय फॉर बेबी बटरफ्लाई। ओ नो, फ्रॉम वेयर यू हैव गॉट दिस बटरफ्लाई? बटरफ्लाई Butterfly, show me. Give me your butterfly. कंफ्यूजिंग सा रास्ता है, कभी इधर घुमा रहे कभी उधर घुमा रहे हैं। ये आगे मिलेगा जाके। तो गाइस यहाँ से पहाड़ियाँ दिखना शुरू हो गई हैं, आपको दिख रहा होगा यहाँ स्क्रीन में। और ये रिवर पानी तो बिल्कुल भी नहीं है। और अलीशवा देखो, अलीशवा हाथ बाहर निकल, बैठो आप यहाँ बैठो नहीं पीछे आके। गाइस पर ये ना पहाड़ी हल्की फुल्की शुरू हो गई है, इस तरफ ज्यादा अच्छी आ रही है। और अमरूद, हम यहाँ जब भी आते हैं ना अमरूद तो खाते खाते, यहाँ के अमरूद इतने टेस्टी होते हैं, एकदम ऑसम है ना। यहाँ से थोड़ी है ना, हाँ यही वाली रिवर थी शायद जो लास्ट टाइम हमने क्रॉस की थी, क्रॉस कर दी ना, चढ़ाई शुरू हो गई थी। इसे दोबारा वापस आ गए ना, दोबारा जाएंगे। अच्छा, रानी खेत अल्मोरा। तो गाइस यहाँ से शुरू हो गया है हमारा भीमताल, मतलब काठगोदाम खत्म तो चढ़ाई शुरू हो गई ना, यही तो ना, तो भीमताल शुरू हो गया। अलीशवा ना ये विंडो क्लोज नहीं करने दे रही है बिल्कुल, इसे बहुत मजा आ रहा है, बहुत एंजॉय कर रही है ये। और मौसम भी यहाँ पे बहुत ठंडा हो गया, आराम से एसी वेसी सब बंद कर दी हमने। क्या अलीशवा मैगी खा पाएंगे क्या? मैगी तो बनती है पहाड़ों पे। हाँ तो एक बार हम खा चुके हैं। खा चुके मैगी कहाँ? हम लोगों को मैगनन में छोड़ के तुम जाके वहाँ मैगी खा के आ गए, तो फिर अब हम मैं कैसे खा पाऊंगी? खिलानी पड़ेगी। अच्छी बनाई थी उसने। होटल्स भी स्टार्ट हो गए यहाँ से। जाना पड़ रहा अपने होटल के लिए, और मैं ना इतना ज्यादा डेंजरस रोड था कि स्टार्टिंग से वीडियो ही बनाना भूल गई, फिर एकदम से क्लिक हुआ नहीं नहीं मुझे वीडियो बनानी चाहिए। अगर यहाँ सामने से गाड़ी आएगी तो क्या करेंगे यार? कैसे, लेक तो बहुत नीचे रह गया, पता नहीं इतनी ऊंचाई पे है, अगर हमें लेक आना पड़ेगा हम आएंगे कैसे? हमें लगता है कल हम ले उतरे और लेक करके वहीं से चले जाए। देखो उतर के देखना पड़ेगा, पर अगर रोड में हाँ पानी है, रनिंग वाटर है, वाटर कहाँ से आ गए यार? पानी आ रहा है पीछे से।
Oh no, oh no. Slide. तो गाइस ये है हमारा रूम। एक्चुअली हमने दो ये रूम बुक किया था, पर फिर ना हमने इस बार ऑनलाइन बुकिंग की है तो हमें पता नहीं था, जो शो हो रहा था ना वो काफ़ी छोटा रूम शो हो रहा था, तो वो वाला जो दोनों रूम एक्चुअली सेम, वो मैं आपको बाद में बताऊंगी, पहले आप रूम देख लीजिए। तो ये है सामान रखने का स्पेस, ये इसका बाथरूम है, बाथरूम भी अच्छा है। और चलिए बालकनी व्यू दिखाते हैं आपके इसकी, ये वैली व्यू है और ये इसकी बालकनी, और ये बालकनी से पूरा होटल का व्यू। और अभी सामान वगैरह तो आया नहीं है।